योगी को जने उधारी कहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, योगी को टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही योगी को हिंदू हिंदू चिल्लाने की जरूरत पड़ती है। योगी आदित्यनाथ जहां खड़े हो जाते हैं वहां भगवा ध्वज अपने आप लहरा उठता है। हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड आइकन का नाम है योगी आदित्यनाथ। जी, महंत योगी आदित्यनाथ की सवारी आज लखनऊ से नहीं गोरखपुर से निकली। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खचाखच भीड़ भरी हुई थी, जो योगी को बस एक बार देख लेना चाहते थे। नवरात्र के दौरान योगी महंत के रूप में रहते हैं, वो सीएम हाउस में नहीं बल्कि अपने मठ में रहते हैं। गद्दे पर नहीं बल्कि 9 दिनों तक योगी तख्त पर सोते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे को पॉलिटिकली सबसे एक्टिव राज्य को संभालते हुए योगी दशहरा का जश्न मनाते हैं। इस रिपोर्ट में देखें, योगी कमांडिंग सीट पर हैं और रथ आगे बढ़ने लगा। योगी की रफ्तार देख के लोग कहते हैं योगी का रथ अनस्टॉपेबल है। कहने को तो देश में 28 राज्यों के 28 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी का सबसे अलग रुतबा है। योगी सबसे अलग हैं, सबसे आगे हैं। समर्थक भी और यहां तक कि योगी की विरोधी भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी लक्ष्य के सबसे करीब हैं। योगी का हमेशा से कहना है, धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। योगी को कहां से मिलती है शक्ति, योगी को कैसे मिलती है विजय, ऐसे सवालों के जवाब इन तस्वीरों में है। देश के दूसरे नेता जिस चीज के लिए इवेंट करते हैं वो करना योगी के स्वभाव में नहीं है। राजकाज संभालते हुए भी योगी सन्यासी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अलग भी योगी की अपनी पहचान है। गोरखनाथ मंदिर के महंत और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े नेता हैं योगी। योगी को जने उधारी कहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, योगी को टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, योगी को हिंदू हिंदू चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। योगी जहां खड़े हो जाते हैं भगवा ध्वज अपने आप टंग जाता है। नवरात्रि में योगी आदित्यनाथ ने पूरे 9 दिनों तक शक्ति को आराधना मान व्रत को पूरा किया। इसके बाद महंत जी विजयदशमी का पारंपरिक जुलूस लेकर निकले। इसी साल हुए यूपी चुनाव में अखिलेश यादव बाबा मुख्यमंत्री कहकर चिढ़ाते थे, अखिलेश बुलडोजर बाबा कहकर योगी का मजाक उड़ाते थे। यूपी चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी से यही चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे कड़क और धर्म की जगह सबसे सॉफ्ट। माफिया के लिए बुलडोजर, अपराधियों का एनकाउंटर, काम करने में तेज और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, योगी इन सबके लिए जाने जाते हैं। लेकिन यूएसपी तो हिंदुत्व ही है। नवरात्र की महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद योगी कन्या पूजन के लिए बैठे तो पीतल के परात में चांदी के लोटे में जल भरकर योगी ने 9 कन्याओं के पांव धोए। उसके बाद योगी ने चुंडी उड़ाकर सबका सम्मान किया और फिर अपने हाथों से सबको खाना खिलाने लगे। पंगत में बैठाकर छोटी छोटी लड़कियों को खाना खिलाना शहरों में रहने वाले हिंदू समझे ना समझे, लेकिन गांव में रहने वाले हिंदू जानते हैं कि इनका महत्व क्या है। करोड़ों हिंदुओं को लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री सीट पर कोई अपना बैठा है। योगी ने महागौरी की पूजा गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ पर की। इसके लिए महासप्तमी की रात से ही वो शक्तिपीठ पे तख्त पर सोए थे। महाअष्टमी के दिन उन्होंने कलश स्थापना की और रात में पूजा की। योगी ने वहीं पर जगत जननी माँ आदिशक्ति की पूजा की। नवरात्र के दौरान योगी लखनऊ की जगह ज्यादातर गोरखपुर में ही रहते हैं, लेकिन जब जब उन्हें लगता है कि जरूरत कहीं और है, योगी ने पल भर के लिए भी कभी नहीं सोचा। इस नवरात्र में कानपुर में दर्दनाक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा हुआ तो सबसे पहले योगी ही कानपुर पहुंचे थे। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की पूरी दुनिया दीवानी है, पूरा देश दीवाना है और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का एक एक शख्स मानता है कि सीएम योगी इज बेस्ट सीएम। इसी वजह से लोग उनको इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं और योगी भी मौके मौके पर साबित कर देते हैं कि क्यों वो सबसे अलग है। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।